तो चला है जानने का क्या कुछ होनी चाहिए आपकी मार्केट्स पे रणनीति क्या कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और कैसे आप पोजीशनिंग करें अपनी अब हम जोड़ेंगे ईटी e. नाव और ईटी e. नाव स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज तालमिया को और नज़र करेंगे निकुंज की नज़र पे निकुंज वेरी गुड मॉर्निंग कल जब हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि अब दो चीजें अहम हो गई हैं टेक्निकल्स और फ्लोज डिसाइड करेंगे मार्केट की चाल सर टेक्निकल फ्रंट पे एक एक ब्रेकआउट जरूर था जब हमने ऑल टाइम हाई छुआ बट उन स्तरों से हम थोड़ा नीचे आए और आज कमजोर शुरुआत की हम तैयारी कर रहे हैं आप कैसे पढ़ रहे हैं सृष्टि मुझे लगता है जो है जो टेक्निकल ब्रेकआउट और यू नो डिम्पी ऑलरेडी टेक्निकल्स पे अपना व्यू दे चुके हैं मुझे लगता है कि जो टेक्निकल ब्रेकआउट हो रहा है वह एक शैलो uh, है वह कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है वो बहुत पंछी नहीं है देखिए एक होती है छलांग मारना एक होता है एनर्जी के साथ छलांग मारना और एक होता है कि आप ऐसी छलांग मारो कि आप लौट करके वापस ना आओ तो मुझे लग रहा है कि आप इंक्रीमेंटली ऊपर जा रहे हैं मगर डायरेक्शनली ये जो मार्केट है इस समय आपको बहुत ऑप्शंस नहीं दे रहा है कि आप ट्रेड करें मेरा अभी भी ये मानना है कि आप उस फेस से जा रहे हैं जहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन है और जहाँ पर प्राइस वाइज कंसोलिडेशन है इस मार्केट के अंदर शैलो मूव्स आ रहे हैं कोई बहुत भयानक निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है देखिए तो मार्केट के अंदर हम एक वर्ड बोलते हैं जिससे हम बोलते हैं कि आ, पास परफॉर्मेंस को लेकर के हम हमेशा फ्यूचर को गाइड करते हैं तो मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि भाई अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी में जो शेयर बाजार था वह फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं रहेगा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा मगर क्योंकि फ्टी नहीं गिर रहा है और क्योंकि बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि अच्छे शेयर्स उसमें भी स्टेबल हैं तो मार्केट के अंदर मंदी का रुख नहीं है आप ऐसा नहीं देख सकते हैं मार्केट में के अंदर जो मंदी का रुख आएगा वह या तो ग्लोबल क्यूज की वजह से आएगा या फिर कोई बड़ा चेंज लोकल लेवल पर उसकी वजह से आएगा या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आज हमें नहीं पता है हमें आकर के हिट करे तो उसकी वजह से बड़ा करेक्शन आएगा क्योंकि मार्केट एक ऑप्टिकली नया हाई रोज बना रहा है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर कॉन्फिडेंस है वह रहेगा मगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो हम चर्न देख रहे हैं वो चर्न और आपको देखने को मिलेगा एक डीनो you know, वही मैं उसी गोल्डन पीरियड की बात करता हूँ दिवाली के पहले और क्रिसमस के पहले जो था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उस समय आपको शेयर में शेयर बाज़ार के अंदर ऊपर लेकर के और ऊपर बेचने से पैसा बन रहा था अब वैसा नहीं हो रहा है इस समय शेयर बाज़ार में आपको चुनिंदा शेयरों में ही बड़ा मूव मुझे लगता है देखने को मिलेगा तो डिम्पी मेरे को भी यही लगता है जो आप भी कह रहे थे कि भाई आप एक ऑल टाइम हाई बना रहे हैं तो ऑप्टिकली जी हाँ ऑल टाइम हाई

तो क्या यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर आ सकता है मार्केट्स के लिए भी एचडीएफसी बैंक कैसे पोजीशन ठीक है एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा नंबर्स के बाद एचडीएफसी बैंक एक प्रकार से धराशायी हो गया था एचडीएफसी बैंक ने पिछले तीन साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है तो एचडीएफसी बैंक में गिरावट का कारण यह था कि मैनेजमेंट ने कहा था कि वह 4 साल में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डबल करेंगे अब लग रहा है कि वो स्लो कर रहे हैं उन्होंने 15 से 17 परसेंट की ग्रोथ की बात कर रही थी अब 12 से 13 परसेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं क्योंकि एच डी एफ सी बैंक इतना वाइडली ट्रैक ट्रैक बैंक है इतना वाइडली ओनड बैंक है तो सबको थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है ये धीरे क्यों चल रहे हैं इसका प्रमुख कारण था कि इनके जो पुराने विलय है जैसे हम कहते हैं मर्जर की वजह से जो इनके इनकम रेशियोज़ थे वह अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं ये मार्जिन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रहे हैं इनकी लाइबिलिटी फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं कि जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है वह भी कम आ रहा है कुल मिलाकर के एच बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट का अभी भी मानना है कि तीन चार क्वार्टर के अंदर वो बुक क्लीन अप हाई कॉस्ट डेट को कम करेंगे लाइबिलिटी पे बात करेंगे तो वो एक प्रोसेस है तो मार्केट अभी तीन चार क्वार्टर तक एच बैंक के अंदर हाई ग्रोथ नहीं देख रहा है और मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में मतलब मतलब मीडियम टर्म जैसे हम बोलते हैं चार क्वार्टर से लेकर के छः क्वार्टर तक जब विजिबिलिटी नहीं दिखती है तो मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलता है मेरे हिसाब से एच बैंक उन लोगों के लिए अच्छा है एक तो नियर टर्म में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है बिल्कुल तो टेक्निकली है वो मगर उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि सोच कर समझ कर लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है तो एच बैंक ज़रूर लें मगर आप तीन महीने के लिए छः महीने के लिए एक साल के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है एच बैंक में आपको इतना बड़ा उछाल देखने को ना मिले सीरियस लेवल्स की बात क्यों ना बोलते हो लेकिन कैसे कैसे रखना, मार्केट को रीड करना, ये मैंने आपसे बहुत अच्छे से सीखा है और मैं आगे भी आपसे सीखता रहूंगा एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी है कुछ चेंजेस हुए हैं इसको किस तरह से देखें मैं कल जब मीटिंग में आपसे बातचीत कर रहा था तो आप एक नाम का बार बार जिक्र कर रहे थे ऐसा क्या है इस नाम में इतनी इंपॉर्टेंस की वो कोटक के लिए या फिर किसी दूसरे बैंक के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा आ, तो डिम्पी हम के एस मनियन साहब की बात कर रहे हैं के एस मनियन साहब जो थे जब जब कोटक साहब उदय कोटक साहब आ, अपने टेन्योर का जब उनका जब उनका टेन्योर खत्म हुआ था तो सबको लग रहा था कि मार्केट को लग रहा था कि द नेचुरल प्रोग्रेशन वुड बी somebody विद इन द कोटक बैंक बिकॉज दीपक गुप्ता जी भी रिटायर हो गए थे दिसंबर में और सबको लग रहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर इस समय मनियन साहब कमान संभालेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ एक वरिष्ठ बैंकर जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हैं एक्स बास के वह कोटक की उन्होंने वह कोटक का नेतृत्व अभी कर रहे हैं क्योंकि मनियन साहब कोटक की इनिशियल स्टार्टअप टीम के मेंबर हैं इन्होंने कोटक जैसे बड़े बैंक को पिछले 25 साल में खड़ा करा कि एन बी को हिंदुस्तान का एक बेहतरीन या वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैंक बनाया है तो मार्केट में अटकलें लग रही थी मार्केट में अटकलें लग रही थी कि भाई क्योंकि श्याम श्रीनिवासन जो फेडरल बैंक के हैं उनका अभी टेन्यू और सेप्टेम्बर में ख़त्म हो रहा है क्या मनियन साहब क्या मनियन साहब कोटक से फेडरल में आ जाएंगे इस बात का हमें कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं मिला फेडरल बैंक ने हमेशा बोला है कि द सर्च फॉर अ कैंडिडेट इज ऑन मगर कल की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें सीधा साफ तरीके से लिखा है दैन मनियन साहब को एलिवेट करके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है तो अगर आपका एलिवेशन हो रहा है किसी बैंक के अंदर तो शेयर बाजार में अटकले ज़रूर लग सकती है कि भाई मनियन साहब जहाँ जाने वाला थे वहाँ नहीं जाएंगे और कोटक में रहेंगे तो इसको लेकर के जो एडजस्टमेंट है वह हो सकता है मगर इंडिपेंडेंटली अगर फेडरल बैंक की बात करें तो मेरा मानना है कि वो स्टॉक सस्ता है मेरा मानना है कि उसका जो प्रॉफिट है चार हज़ार करोड़ के आसपास हो सकता है अगले साल मेरा यह मानना है कि वहाँ फ्रेंचाइज़ के अंदर लाइबिलिटी उनकी स्ट्रांग है उनके कॉस्ट टू इनकम रेशियोज़ ठीक हो रहे हैं और उनके अंदर श्याम जी ने जो फ्रेंचाइज़ बनाई है वो काबिल तारीफ बनाई है तो इसका प्रभाव फेडरल बैंक पर न्यूज़ का क्या पड़ेगा बोलना मुश्किल है मगर फेडरल बैंक इंडिपेंडेंटली अगर आप बात करें तो मुझे लगता है उसके अंदर स्कोप ऑफ आउट परफॉर्मेंस आने वाले समय में जरूर रहेगा ठीक है, है निकुंज ये कोटक पर बैंक पे पॉजिटिव असर आएगा मनी सर के आने के देखिए कोटक के अंदर मुझे नहीं लगता है कि बड़ा चेंज हम देखने को मिलेंगे बिकॉज कोटक के अंदर और भी चैलेंजेस हैं डिम्पी कोटक के अंदर हम इस समय जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो वैल्यूशन है इस समय थोड़ी एक्सपेंसिव है कोटक महिंद्रा बैंक हमें पता है कि लैंडिंग को लेकर के वह काफ़ी कॉशियस रह चुके हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एफ एक्टिविटी इस समय काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर काफ़ी यू you नो know, और भी चेंजेस हुए हैं तो मुझे लगता है टीम को लेकर के मार्केट को ज़रूर कम्फर्ट आएगा कि जो कोर टीम है उसके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है तो कोटक को लेकर के मुझे लगता है टर्न जब आएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी लिक्विडिटी जो अभी टाइट कर रहे हैं उसको कम करेगा देखो जहाँ पर लिक्विडिटी वापस आने लगेगी प्राइवेट बैंक्स के अंदर जो हम देख रहे हैं इस समय जो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है स्पेशली कोटक और एच बैंक में मुझे लगता है चेक हो जाएगी तो अब ट्रिगर पॉइंट की अगर बात करें तो डिम्पी जी हाँ ट्रिगर पॉइंट एच बैंक और कोटक के लिए उस समय आएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा दैट हमने लिक्विडिटी टाइटनिंग कम कर दी है और हम लिक्विडिटी अब वापस बढ़ाना चाहते हैं नहीं बिल्कुल काफ़ी बढ़िया इंसाइट है निकुल सर आपके और ये बात हम भी समझ रहे हैं कि दोनों बड़े बैंक लिक्विडिटी के अधीन है और उसमें आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं शायद कुछ बहुत मेजर फ़र्क ना डाल पाएँ बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आप रोज़ समय निकालिए सर हमारे लिए आपका इंसाइट बड़े काम के होते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे हम डेली इनसाइट्स लेते रहें इसी तरीके देखिए